नमस्कारम। आज हम बात करेंगे कि सिर में या फिर दाढ़ी में जब रूसी आ जाती है, डैंड्रफ आ जाता है, तब हमें क्या करना है। और ये पूरा का पूरा जो वीडियो है, मैं एक लाइव केस लेकर के, जिसका ठीक हुआ, उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ, ताकि आपकी प्रयोग करते वक्त आपको थोड़ा और भी कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ ये सही है। और उसमें 40 दिन में वो व्यक्ति पूरा सही हुआ, तभी आपको मैं ये प्रयोग दे रहा हूँ। क्या क्या बताया उसको मैंने? 4 चीज़ें बताई। एक लगाने के लिए मैंने एक लेप बताया, एक सिर धोने के लिए नेचुरल हेयर वॉश बताया, एक मैंने उसे सेवन करने की, पीने की दवाई दी, जिससे कि वो जड़ से समस्या चली भी जाए और बाल भी झड़ने बंद हो जाएं, बाल भी लंबे होने शुरू हो जाएं, और एक जो उस यहाँ पर गंज पड़ जाती है वो भी उसकी ठीक होने शुरू हो जाए। इसलिए मैंने सारा उसको विधि बताई। और उसके अलावा लगाने के लिए तेल, ये 4 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा लगाने के लिए लेप की, जो कि बहुत ज़रूरी है। आपको उसके लिए क्या लेना है? आधा चम्मच टंकन भस्म। टंकन भस्म को हम शुद्ध टंकन भी कहते हैं। तो आधा चम्मच ये लेकर के उसमें आपने 2 चम्मच में मात्रा में दही मिलाना है, फ्रेश या कोई भी चलेगा, खट्टा भी चलेगा। इसमें मिला करके अच्छे से फेंट लेना है। ऊपर से आप इसमें 10 बूंदें नींबू का रस डाल दें। तीनों को मिक्स करके, अगर उसमें गर्मी है तो आप नारियल तेल भी डाल सकते हैं 1/2 चम्मच। सर्दी में नारियल का तेल थोड़ा जम सा जाता है, इसलिए ना भी ऐड करें तो चल जाएगा। तो ये 3-4 चीज़ें सबको मिक्स करके एक पेस्ट बनानी है, एकदम मस्त सी, एकदम मखमली सी बना करके इसको सिर में मालिश करनी है। सारे के सारे इस तरह बालों में हल्के हाथ से मालिश कर सकते हैं। बालों पे भी लग जाए तो बालों में चमक बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दाढ़ी में भी लगाना है, जहाँ जहाँ आपकी रूसी आ गई है। तो ये लगाने के आधा घंटा बाद आपने हल्का सा इसको शैम्पू जो है, आयुर्वेदिक शैम्पू जो मैं आपको बताऊंगा, उसी से धोना है। ये था लेप। लेप रोजाना लगाना है, और हो सके तो आप इसको शुरुआत में रेगुलर लगा के 20 दिन, उसके बाद चाहे 1 दिन छोड़ के लगा सकते हैं। और अब तो वो बिल्कुल ठीक हो गया है 40 दिन के बाद, तो मैंने उसे कह दिया कि तुम हफ्ते में 2 बार ही लगाओ चाहे तो भी चल जाएगा। तो ऐसे ही अगर 2 महीना 4 महीना और वो लगाता रहेगा, तो 20% उसकी दाढ़ी में थोड़ा थोड़ा डैंड्रफ बाकी था अभी, तो मैंने कहा कि कहीं उसकी वजह से फिर सिर में ना चला जाए, तो वो पूरा ख़त्म कर ही ले, इसलिए ये लगाने को लेप अभी जारी है। फिर इसके अलावा जो शैम्पू बनाना था आयुर्वेदिक, वो कोई खास चीज़ें नहीं है, उसको आपको पता होगा, मैंने एक वीडियो में पहले भी आयुर्वेदिक शैम्पू बनाना सिखाया था। क्या करना है? आंवला, रीठा और शिकाकाई, तीनों चीज़ें आप पंसारी वाले से ले आइए। आंवला ड्राई मिल जाता है, रीठा भी मिल जाता है, और शिकाकाई की फलियां मिल जाती हैं। तीनों को कूट लीजिए लोहे के खरल में, और तीनों का मिक्सचर जो है 2-3 चम्मच लेकर के एक लोहे के बर्तन में 1-2 गिलास पानी डाल के उबालिए। जब आधा रह जाए तो उसको ढक करके ठंडा होने दीजिए, रात को उबाल के रखना है। सुबह उसको फिर थोड़ा सर्दी है तो थोड़ा गर्म कर लो, गर्म करके उसको मल के उसका गुद्दा बाहर फेंक दो, जो उसका पाउडर सा, और जो उसका पानी है उसके साथ सिर को धो लो। वो धोने के आधा घंटा पहले वही लेप लगाना है जो जिसकी बात अभी मैंने की थी। ये सिर धोने का शैम्पू हो गया। अब बात करते हैं खाने की मेडिसिन की। खाने की मेडिसिन हालांकि इतनी ज़रूरी नहीं है, छाछ जिसको आप मट्ठा बोल देते हैं, नमकीन, दही को फैट करके पानी डाल के बनता है, नमक, काली मिर्च, जीरा डाल के, वही अगर आप रोज़ाना लंच के बाद ले ले तो आपके अंदर की खुश्की मिट जाएगी। आप नारियल तेल सारी सब्जियों में कच्चा डाल के लेना शुरू कर दें, थोड़ी मात्रा में गाय का घी लेना शुरू कर दें, और नाक में गाय का घी डालना शुरू कर दें। एक मेरी वीडियो थी वाता बैलेंसिंग 5 टिप्स, उस वीडियो को फॉलो करना शुरू कर दें, तो आपकी खुश्की मिट जाएगी, तो डैंड्रफ ज़्यादा देर नहीं टिकेगा। डैंड्रफ खुश्की से ही आता है दरअसल। तो फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं खाने वाली मेडिसिन हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, तो भृंगराज आसव मैंने उसकी, क्योंकि धातु भी उसकी काफ़ी कमज़ोर थी, धातु कमज़ोर होने की वजह से शरीर का जो बाल झड़ रहे थे, शरीर उसका थोड़ा निस्तेज सा हो रहा था, उस वजह से मैंने उसमें सारस्वत अरिष्ट भी मिक्स करवाया। भृंगराज आसव को भी ताकत मिल जाती है सारस्वत अरिष्ट से, तो मैंने इसलिए दोनों को मिक्स कराया, भृंगराज आसव और सारस्वत अरिष्ट, दोनों के 3-3 चम्मच, 6 चम्मच पानी, दोनों टाइम खाने के बाद आप वैद्य की परामर्श से इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों टाइम खाने के आधे घंटे बाद उसने लिया 40 दिन। और फिर लगाने के लिए इसी तरह महाभृंगराज तेल आता है,
उसने खुद कहा कि मुझे इस तेल से बहुत फ़ायदा हुआ है क्योंकि इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, महाभृंगराज तेल का। सिर में वो मालिश करता था रात को, एक रात पहले मालिश सिर में कर ली और अगली सुबह वही लेप लगा लिया और उसके 25 मिनट बाद 30 मिनट बाद सिर धो लिया। बस यही सारा उसका रूटीन था और खाने की दवाई वो ले रहा था। 40 दिन में उसका डैंड्रफ सिर से तो 100% चला गया, बाल दाढ़ी में थोड़ा थोड़ा 20% बाकी था, जिसकी वजह से मैंने उसे 10-20 दिन और मेडिसिन लेने की सलाह दी और साथ साथ में तेल और लेप रेगुलर लाइफ में ऐड करने की ऐसे मैंने उसे कहा। तो ये था एक एक्सपीरियंस लाइव जो ठीक होते हैं लोग। अब मैं पहले तो नोट नहीं करता था, अब मैं साथ साथ नोट करके जो भी मेरे पास अब वापस से रिपीट आ रहे हैं पिछले, उन सब के केस की मैं आपको लाइव वीडियोस देता रहूँगा ताकि आपकी नॉलेज भी बढ़ती रहे और कहीं ना कहीं आपकी खुद की, चलो अब औरों को मैं नहीं कहता कि आप दवाइयाँ बांटो, लेकिन अपना खुद का इलाज तो आप कर ही सकें। और इसके अलावा भी आपको मैं समय समय पर नई नई जानकारियाँ देता ही रहूँगा। आप बने रहिए हमारे दोनों चैनल से, नित्यानंदम आयुर्वेदा और नित्यानंदम श्री से। आज फिलहाल इतना ही, नमस्कारम।